Hello guys, welcome to Delhi Test. Today we are at the Open Oven Pizza. Basically ये मेरे एक friend की shop है जिसको मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसको जरूर visit करें क्योंकि यहाँ के pizza एकदम best. और ये मेरे friend की shop है तो आप देखें, वो मेरा friend है. Say hi to Sachin. And इस video में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे pizza shakes available हैं, जो कि जोमेटो पे भी अवेलेबल है और स्विगी पे भी अवेलेबल है. आप चाहे तो कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं रात के 2 बजे तक. तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये लोग पिज्जा कैसे तैयार करते हैं. तो मजे की बात ये है कि मैंने अपने दोस्त से ना रिक्वेस्ट करके खुद ही पिज्जा बनाने का ठेका उठा लिया. क्यों? क्योंकि ये मैं खुद बनाऊंगा अपने लिए. तो आइए दिखाते हैं. सबसे पहले हमने ले लिया है अपना बेस. बेस को थोड़ा सा साफ कर लेंगे, फिर इस पे सबसे पहले जाएगी हमारी पिज्जा सॉस. ये देखिए पिज्जा सॉस. पिज्जा सॉस की एक क्वांटिटी होती है छोटे वाले बेस पे 1 बड़ी चम्मच से. इसको धीरे धीरे पूरे पिज्जे में डो पे फैलाएंगे. ध्यान रहे कि पूरे डो पे लगनी चाहिए, अदरवाइज जहाँ से आप छोड़ देंगे वहाँ आपको पिज्जा फीका फीका लगेगा. तो सॉस हमारी लग गई है. देन इसके बाद बारी आती है चीज ब्लेंड की. उसमें दो तरह की चीज़ डलती है, एक मोज़रेला और दूसरी चीज़ ब्लेंड. तो सबसे इसके बाद हम डालेंगे चीज़ ब्लेंड. ध्यान रखेंगे कि चीज़ ब्लेंड से कोई भी पार्ट जो है इसका रहे ना, क्योंकि फिर उससे हमारी क्या है कि जो मोज़रेला चीज़ हम डालते हैं वो कम लगती है. देन इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ वेजीज. वेजीज हमारी पहले से ही हमने काट के तैयार करी हुई है, तो धीरे से हम इनको प्रिपेयर करके जितनी भी वेजीज है उसको पूरे पिज्जे पे लगाना है ताकि हर एक बाइट में इसका अच्छे से टेस्ट आ सके. देन इसके बाद डालेंगे हम थोड़े कॉर्न. कॉर्न के बाद थोड़ी अनियन. ये हमारा पिज्जा है वेज फार्म हाउस. उसके बाद थोड़े कैप्सिकम. कैप्सिकम के बाद थोड़े इसमें पनीर के स्लाइसेस. पनीर आपकी चॉइस है, मेरे को तो पसंद है तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ. 5 to 6 पीसेस ऑफ पनीर आर इनफ. देन इसके बाद हमारी जाएगी मोज़रेला चीज. तो गाइस देख सकते हैं कि बेस हमारा रेडी हो चुका है. अब इसके ऊपर जाएगी मोज़रेला चीज. गो की हम मोज़रेला चीज यूज कर रहे हैं. कोशिश करेंगे कि जो चीज है वो पूरी तरह से पिज्जा पर फैल जाए. और वीडियो में एक बार अपने भाई सचिन को थैंक्स जरूर करेंगे जिन्होंने हमें पिज्जा बनाने का मौका दिया, जिससे हमारा हिडन टैलेंट जो है वो बाहर आ रहा है. चीज से अच्छे से कवर कर देंगे पिज्जा को, साइड्स को भी, ताकि जो साइड्स हैं वो जले ना ओवन में.
सो 4 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हमारा पिज्जा बनाए कि नहीं। और ये हो गया एकदम रेडी, आइए इसको बाहर निकालते हैं। तो एज यू कैन सी कि हमारा पिज्जा बन के एकदम तैयार हो चुका है। इसको यहाँ पे पहले पैक करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे खाएंगे तो हमारा पिज्जा बन जाएगा, तो इसको हम घर पे जाके खाएंगे। अच्छे से पैक कर लेंगे और इसकी स्लाइसेस कर लेंगे। पिज्जा हमारा बन के एकदम अच्छे से तैयार हो गया है और पैक भी हो गया है। अब इसको घर जाके अच्छे से खाएंगे, देन आपको इसके रिव्यूज जरूर देंगे। तो गाइस, ये है हमारा वो पिज्जा जो हमने बनाया था। तो आइए आज का रिव्यू करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो डालेंगे थोड़े ओरिगैनो। साथ में थोड़े चिली फ्लेक्स। और चलते हैं अपनी पहली बाइट की तरफ। As you can see, भाई एकदम बेस्ट मुझे लग रहा है। तो सबसे बढ़िया और जो बेस्ट शेफ है ना, वो मैं ही हूँ। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।